एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं, कंकरेंट लाइंस क्या होता है। ठीक है, कंकरेंट लाइंस। अच्छा, कंकरेंट लाइन देखें, अगर एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ, ये एक लाइन है, ठीक है, इसको L1 का नाम दे देते हैं, सही, और इसको एक और इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है L2, सही है, इसको मैं L2 कह देता हूँ। लाइन वन एंड लाइन टू, ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, और एक और लाइन जो है इनको इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब ये देखें, ये तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ऐसी लाइंस जो कि सेम पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों, उसको कहते हैं, ये लाइंस क्या हैं, कंकरेंट लाइंस हैं, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि L1, L2 एंड L3 आर कंकरेंट लाइंस। सही है, तो यहाँ से ये चीज़ हमने देखी कि कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं, कि वो लाइंस जो कि एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, वो लाइंस क्या कहलाती हैं, कंकरेंट लाइंस। अच्छा, अब हम कंकरेंट लाइंस के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने शो करना है कि कंडीशन फाइंड करनी है कि तीन लाइंस कब कंकरेंट होंगी, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने हमें गिवन है कि वो लाइंस कंकरेंट हैं, ठीक है, तो उन उसमें हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, कंकरेंट लाइंस कब होती हैं, देखें ये तीन लाइंस जिस तरह ऊपर देखी हमने, कि ये तीनों लाइंस क्या हैं, कंकरेंट हैं आपस में, L1, L2 और L3, ठीक है, ये तीनों लाइंस आपस में क्या हैं, कंकरेंट हैं। तो ये कंकरेंट कब होंगी लाइंस, ठीक है, या हमने शो करना हो कि ये लाइंस कंकरेंट कैसे हैं, तो हम तीन इक्वेशन लिख लेते हैं। एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, a1x plus b1y plus c1 = 0। ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, लेट्स सपोज L1 की ये इक्वेशन है, ठीक है, तो इसी तरह से ये L1 की इक्वेशन है, तो L2 की इक्वेशन लिख देता हूँ, वो भी जनरल ले लेता हूँ, a2x plus b2y plus c2 = 0। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी L2 की, और इसी तरह से L3 में ले लेता हूँ तीसरी लाइन की इक्वेशन, a3x plus b3y plus c3 = 0। सही, ये तीन मैंने इक्वेशंस ले ली इन तीनों लाइंस की। तो अगर मैंने चेक करना हो कि अगर मेरे पास ये ग्राफ नहीं है, ठीक है, मैं इनको ड्रॉ नहीं कर सकता, सही है, तीन मुझे सिर्फ ये इक्वेशंस गिवन हो, तो मैंने चेक करना हो कि ये तीन लाइंस जो हैं, इन इक्वेशन से जो लाइंस बनती हैं, क्या वो कंकरेंट हैं या नहीं है, ठीक है, तो वो मैं कैसे चेक करूँगा कि ax के जो कोफिशेंट्स हैं उनको एक कॉलम में लिख लेता हूँ, ठीक है, a1 a2 और a3, सही है, x के कोफिशेंट्स मैंने लिख ली एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में मैं y के कोफिशेंट्स लिख लेता हूँ, b1 b2 b3, और तीसरे कॉलम यहाँ पर मैं कॉन्स्टेंट्स लिख लेता हूँ, बाकी जो कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन में बच रहे हैं, c1 C2 और C3, ठीक है, ये इससे एक मैट्रिक्स बन गया। इनका मैं अगर डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इनका डिटर्मिनेंट ले लूँ और वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसका मतलब क्या होगा कि लाइंस आर कंकरेंट, ठीक है, अगर तो 0 नहीं आता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती, तो लाइंस आर नॉट कंकरेंट। सही, अच्छा, ये कंसेप्ट हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, के आपको तीन इक्वेशंस दी हुई हैं लाइन की, ठीक है, तो आपको कहा गया है कि जनरल इक्वेशन दी हुई है, वाई इज इक्वल टू m1x plus c1
और y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, और तीसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री। ठीक है, ये तीन लाइंस की इक्वेशंस आपको गिवन है। आपको कहा है कि आपने कंडीशन फाइंड करनी है कि कब ये कंकरेंट होंगी, तो आप इसी तरह से वही करेंगे कि पहले इनको y माइनस एम वन एक्स माइनस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इसको उस फॉर्म में ले गए हैं। ठीक है, इसको या फिर आप उस तरह से लिख सकते हैं कि y को सेट पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा एम वन एक्स माइनस वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये पहली इक्वेशन को मैंने लिख दिया, ठीक है, सब मैं y को राइट साइड पे ले गया तो ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं इस तरह से बनाऊँ तो एम टू एक्स माइनस वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसी तरह से थर्ड इक्वेशन बनेगी एम थ्री एक्स प्लस माइनस वाई प्लस सी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। सही, तो ये तीन इक्वेशंस बन जाती हैं। इन तीन इक्वेशन से फिर हम डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, एक्स के कॉफिशियंट्स एम वन एम टू एम थ्री, ये एक्स के कॉफिशियंट्स हो गए, वाई के कॉफिशियंट्स आ जाएंगे माइनस वन माइनस वन माइनस वन, और फिर ये आ जाएगा सी वन, कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे सी वन सी टू और सी थ्री, और इनका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो पुट किया जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ओपन करने से, ठीक है, डिटर्मिनेंट इसको एक्सपेंड करने से फिर जो हमारे पास कंडीशन बन रही होगी वो होगी उसकी कंडीशन जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द कंडीशन दैट दीज लाइन्स आर कंकरेंट, वो कंकरेंट लाइन्स की कंडीशन बन रही होगी। ठीक है, तो हम इसको सिंपल आपने आगे जो है इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करना, तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर फाइव है कि तीन लाइंस आपको गिवन है और आपको कहा हुआ है कि वो कंकरेंट है, मीट एट पॉइंट। ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी क्वेश्चन आपको गिवन है थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, और तीसरी क्वेश्चन गिवन है थ्री एक्स प्लस पी वाई प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तीन इक्वेशन हैं, इक्वेशन वन इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री, तीन लाइंस आपको गिवन है और आपको कहा हुआ है कि ये तीनों लाइंस क्या हैं, कंकरेंट हैं। ठीक है, ये क्या हैं, कंकरेंट हैं, मतलब कि मीट एट पॉइंट, मीट एट पॉइंट, एट अ पॉइंट, तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, जिस तरह के ये तीन लाइंस एक ही पॉइंट पे इस पे मीट कर रही हैं। सही है, इस तरह से ये मीट कर रही होंगी, और आपको फाइंड करने को क्या कहा गया है कि आपने ये पी की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है, जो कि वाई का कॉफिशेंट है। तो हम उसी कंसेप्ट को लेकर चलते हैं कि कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं। कंकरेंट लाइंस का जो कॉफिशेंट्स का मैट्रिक्स बनता है उसका डिटर्मिनेंट लें तो वो इक्वल टू ज़ीरो आता है, तो हम लेकर देख लेते हैं। ठीक है, टू थ्री थ्री, और ये हो गया एक्स के कॉफिशेंट्स, और वाई के कॉफिशेंट्स आ जाएंगे माइनस थ्री माइनस वन और पी। इसी तरह से कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे माइनस वन माइनस फाइव और एट। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे जो कि इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि हमें गिवन है कि ये कंकरेंट हैं। ठीक है, लाइन चलें, अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं फर्स्ट रो के थ्रू, हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, टू इन टू क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी, हमारे पास ये चार एलिमेंट्स बच जाएंगे। ठीक है, जिसको हम टू क्रॉस टू मैट्रिक्स इस तरह हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, ए डी माइनस बी सी। सही है, तो ए डी को मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन इंटू एट इज माइनस एट, और माइनस बी सी माइनस बी सी, बी सी क्या है, बी ये है और सी ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस फाइव पी बनता है, तो इसके साथ प्लस बन जाएगा। ठीक है, माइनस फाइव पी इंटू माइनस इज प्लस फाइव पी। इसी तरह से बाकी जो आ जाएगा प्लस थ्री। ठीक है, सेकंड जो एलिमेंट है रो में, फर्स्ट रो में, तो प्लस थ्री इंटू ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टीन बन जाएगा, माइनस वन इंटू थ्री पी प्लस थ्री आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सही है, टू इंटू माइनस एट मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस सिक्सटीन बन जाएगा प्लस टेन पी बन जाएगा। ठीक है, टू से मल्टीप्लाई हो रही है दोनों, तो प्लस थ्री इंटू ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टीन इज थर्टी नाइन,
माइनस वन जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस थ्री पी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है माइनस सिक्सटीन, इसको मजीद सॉल्व करते हैं, प्लस टेन पी प्लस वन वन सेवन आ जाएगा। ठीक है, थर्टी नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन सेवन आ जाएगा, माइनस थ्री पी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इसमें जो है पी जो है दोनों वेरिएबल्स हैं सेम, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, बाकी कॉन्स्टेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा सेवन पी। ठीक है, टेन पी माइनस थ्री पी इज सेवन पी। आगे बन जाएगा प्लस नाइन्टी एट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अब यहाँ से हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेवन पी इज इक्वल टू माइनस नाइन्टी एट, नाइन्टी एट को हम राइट साइड पे ले गए और पी के साथ सेवन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये पी की वैल्यू आ जाएगी, पी इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन। ठीक है, ये पी की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, जो कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, शो दैट द थ्री लाइंस आर कंकरेंट। ठीक है, तीन लाइंस की इक्वेशन आपको गिवन है, फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये होगी पहली लाइन, और दूसरी लाइन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये होगी दूसरी लाइन, और तीसरी लाइन भी आपको गिवन है x माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तीन लाइंस आपको गिवन है। ठीक है, आपको फाइंड करने का क्या कहा गया, आपने शो करना है कि दीज थ्री लाइंस आर कंकरेंट, मतलब कि आपने शो करना है कि ये तीनों लाइंस क्या हैं, कंकरेंट हैं। तो कंकरेंट के लिए हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि क्या किस तरह हम शो कर सकते हैं, उसके कॉफिशेंट्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, तो एक्स के कॉफिशेंट्स क्या बनेंगे, फोर थ्री और वन। सही, इसी तरह से वाई के ऑप्शंस क्या बनेंगे, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस वन, और कॉन्स्टेंट्स क्या आएंगे, माइनस एट माइनस सिक्स माइनस टू। ये इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट हम उसी तरह फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड करते हैं इसको, फोर इंटू आ जाएगा फोर, फर्स्ट कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो डिलीट, बाकी ये टू प्लस टू का मैट्रिक्स बना, ए डी माइनस बी सी का फार्मूला जो हम टू प्लस टू के डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे। ठीक है, ये बन जाएगा एट माइनस सिक्स प्लस थ्री इंटू माइनस सिक्स प्लस सिक्स आ जाएगा, और साथ में माइनस एट, ये वाला माइनस एट इंटू माइनस थ्री प्लस फोर। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट ईयर में आप मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं थ्री क्रॉस थ्री के, उसी तरह से हमने इसको इवेल्युएट किया। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या आती है। ठीक है, फोर इंटू टू प्लस थ्री इंटू माइनस सिक्स प्लस सिक्स, दोनों कैंसिल ज़ीरो हो जाएगा, और माइनस एट इंटू फोर माइनस थ्री इज़ वन। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं, फोर टू ज़ा एट प्लस ज़ीरो माइनस एट। ठीक है, तो ये देखें प्लस एट है, ये माइनस एट है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, ज़ीरो आंसर आया। तो ज़ीरो आंसर, डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आया। डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आने का मतलब क्या था, कि वो लाइंस जिनके कोएफिशिएंट्स का हमने डिटर्मिनेंट लिया उसका आंसर ज़ीरो आया, वो लाइंस जो हैं वो क्या हैं, कंकरेंट हैं। हैज प्रूव दैट, हमने प्रूव कर लिया दैट लाइंस आर, दीज लाइंस आर कंकरेंट, यही हमने प्रूव करना था यहाँ पर। ठीक है, और इसका ये तो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट हमें वो भी हमने करना है। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि एंड द थर्ड लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल फाउंड बाय द फर्स्ट टू लाइंस। सही है, पहली दो लाइन से जो एंगल बनता है तीसरी लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब कि ये दो पहली लाइन्स थी, ये एक लाइन, ठीक है, एल वन, ये दूसरी लाइन L2। सही है, ये L1, ये हो गई L2, L1, L2, ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करी हैं, पहली दो लाइंस हैं। ठीक है, पहली दो लाइंस की जो इक्वेशंस है वो भी मैं साथ में लिख देता हूँ। इसकी इक्वेशन थी 4x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी लाइन ये है, उसकी इक्वेशन में क्यों है 3x माइनस 4y माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट हुए देखें कि इन दोनों लाइंस के ध्यान में
एक एंगल भी बन रहा है, ठीक है। ये एंगल जो है वो एक एंगल बन रहा है इन दोनों लाइंस के दरमियान में, ठीक है। इसको एंगल थीटा कह देते हैं, ये एंगल बन गया थीटा। अच्छा, ये एंगल थीटा बन रहा है और साथ में अगर हमने ये एंगल थीटा निकालना है, कोई सी भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, तो उसमें जो एंगल आपस में बना रही होती हैं वो एंगल हमने फाइंड करना हो, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू एम टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन एम टू, सही है। ये हमारे पास बन गया फार्मूला। अच्छा, इसमें m1 क्या है, m2 क्या है, वो देखते हैं। m1 जो है वो लाइन 1 की स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन 1, ठीक है। स्लोप जो है वो इज इक्वल टू m1 है, और लाइन 2 की स्लोप को हम m2 कह देते हैं, इज इक्वल टू m2 आ जाएगा, सही। अच्छा, क्वेश्चन में क्या के थर्ड लाइन है, इस एंगल को तीन दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, बाइसेक्ट करती है वो लाइन, ठीक है। थर्ड लाइन जो है वो बाइसेक्ट करेगी ये थर्ड लाइन, ठीक है। पर थर्ड लाइन कंकरेंट भी है, ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट से भी गुजरे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों का, और दूसरा इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करेगी, मतलब कि इस तरह से बाइसेक्ट थर्ड लाइन, ठीक है। ये थर्ड लाइन बनती है, इसको मैं L3 कह देता हूँ, ठीक है। जो है इसको बाइसेक्ट भी कर रही है एंगल को, और कंकरेंट भी है इन तीनों के, जो पहले प्रूव कर चुके हैं कंकरेंट तो है, सही। तो इसको हमने फाइंड करना है कि ये शो करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों जो है एंगल्स इक्वल बनते हैं नहीं, क्योंकि कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। थीटा वन इसको कह देते हैं, इसको टू कह देते हैं, सही। ये एंगल जो बनता है बाकी, तो थीटा बराबर होना चाहिए थीटा टू के, ये हमने प्रूव करना है, शो करना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि ये दोनों एंगल्स फाइंड कर लेते हैं, सही है। तो हम देख लेंगे दोनों की वैल्यूज इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं, तो उसके लिए हमें स्लोप्स चाहिए होंगी, ठीक है। स्लोप्स पहले फाइंड कर लेते हैं, स्लोप जो जिस तरह से पहले आप फाइंड करते आए हैं हर एक मतलब लाइन की, ठीक है, हमें इक्वेशंस गिवन है लाइन की, तो उससे हम स्लोप फाइंड करते हैं। L1 की इक्वेशन हमें गिवन है 4x-3y-8 = 0, तो यहाँ से हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या चीज़ है, 4 है, 4 माइनस उसी तरह जो फार्मूले में, और साथ में माइनस 3 y का कोफिशिएंट है, तो ये बन जाएगा 4/3, 4/3 इसकी स्लोप बन जाएगी लाइन 1 की स्लोप, ठीक है, जो कि ये लाइन 1 है। इसी तरह से हमने लाइन 2 की स्लोप फाइंड करनी है। लाइन 2 की स्लोप फाइंड करने के लिए, ठीक है, लाइन 2 की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x-4y-6 = 0, ठीक है। इसकी स्लोप क्या आएगी, स्लोप उसी फार्मूले से जिस तरह से लाइन 1 की हमने स्लोप फाइंड की, तो ये बनेगी 3/4, ठीक है। इसी तरह से लाइन 3 की स्लोप हम फाइंड करेंगे, जो कि जिसकी इक्वेशन है x-y-2 = 0, तो इसकी स्लोप किस तरह आएगी उसी फार्मूला से, ठीक है, जो कि आएगी 1, इसकी स्लोप 1, इसकी स्लोप 3/4। अच्छा, अब हमने tan theta 1 फाइंड करते हैं, tan theta 1 किस किस के दरमियान में है वो पहले देखते हैं। थीटा 1 ये देखें, ये थीटा 1 है, ठीक है, ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 1 किस किस लाइन के दरमियान में बन रहा है, लाइन 1 और ये लाइन 3 है, लाइन 1 और लाइन 3 के दरमियान में एंगल थीटा 1 बन रहा है, तो मतलब कि हम स्लोप्स भी इनकी यूज़ करेंगे, मतलब m1 और m3 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा, tan theta 1 = m1-m3/1+m1m3, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो वो बनेगी 4/3-1/1+4/3×1, सही है, जिसकी वैल्यू आएगी 1/7, तो tan theta 1 = 1/7 आ गया। इसी तरह से हम tan theta 2 फाइंड करते हैं, tan theta 2, सही। tan theta 2, अब देखते हैं थीटा 2 किसके दरमियान में है, ये दोनों एंगल्स, ये जो दोनों साइड्स के दरमियान में एंगल बन रहा है
इसको हमने कहा हुआ है टेन थीटा टू, सही है। तो ये टेन थीटा टू किस, ये थीटा टू इसे हमने कहा हुआ है, तो ये थीटा टू किस किस लाइन के दरमियान बन रहा है, एक एल थ्री और एक एल टू। तो फिर हम फार्मूला में भी इन्हीं की स्लोप्स यूज़ करेंगे, मतलब एम टू और एम थ्री, ठीक है। तो फार्मूला बनेगा एम थ्री माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम थ्री एम टू, सही। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ क्या क्या हैं जो हमने स्लोप्स में फाइंड की, एम थ्री की वैल्यू, एम टू की वैल्यू, एम वन की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें एम थ्री और एम टू यूज़ हो रहा है, तो हम उसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वन माइनस थ्री बाई फोर डिवाइडेड बाई वन प्लस थ्री बाई फोर इंटू वन, सही, जिसकी वैल्यू आ रही है वन बाई सेवन। इसकी वैल्यू भी वन बाई सेवन आई, टेन थीटा वन की वैल्यू भी वन बाई सेवन आई, मतलब कि थीटा वन यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वन बाय सेवन, सही है। टेन इनवर्स ऑफ वन बाई सेवन कैसे आई, ये टेन थीटा वन इज इक्वल टू वन बाई सेवन है, तो टेन को सेट ले जाएँ तो टेन इनवर्स बन जाएगा, थीटा वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वन बाई सेवन। इसी तरह यहाँ से टेन थीटा टू इज इक्वल टू वन बाई सेवन है, तो थीटा टू हम कह सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ वन बाई सेवन, मतलब कि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू है। यही हमने देखना था कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया वैल्यूज़ फाइंड करके कि दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है, हैंस प्रूव दैट, हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव दैट एल थ्री इज बाइसेक्टिंग एंगल मेड बाय एल वन एंड एल टू, मतलब कि एल वन और एल टू से जो एंगल बन रहा था उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एल थ्री। तो यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स खत्म होता है।